नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है टैक्स पेयर के लिए। यह फंक्शनलिटी जीएसटी रिटर्न्स और जीएसटी अपील से रिलेटेड है। दिसंबर 2021 में जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड फंक्शनलिटी को इम्प्रूव किया गया है ताकि टैक्स पेयर आसानी से GST1 या IFF को फाइल कर सके। डैशबोर्ड को रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा आसानी से अमेंडमेंट की जा सके और रिकॉर्ड के एडिशन की जा सके, इसके लिए भी GST1 और IFF में चेंजेस किए गए हैं। अब आप कितने डॉक्यूमेंट एंटर करते हैं इसे टाइल में ही देख सकते हैं कलर कोडिंग के साथ। इसके अलावा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड पर पेज भी इंक्रीज़ किए गए हैं और सिपिएंट वाइज रिकॉर्ड का काउंट भी आप देख सकते हैं GST पोर्टल पर। दोस्तों, अब जब आप GST1 को फाइल करेंगे तो आपको दो टेबल दिखेंगे, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी, जबकि अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एरो बटन दिया गया है। टैक्स पेयर ने हर टेबल में कितने रिकॉर्ड एंटर किए हैं उसकी डिटेल उसे फेस पे ही दिखाई देगी, और यदि किसी टेबल में कोई एरर है तो उस केस में वो टेबल रेड में हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा B2B इनवॉइसेस की डिटेल जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि रिसिपिएंट का ट्रेड नेम, लीगल नेम क्या है, टैक्स पेयर टाइप क्या है, कितनी इनवॉइसेस प्रोसेस हो चुकी हैं। यहाँ पे ब्लू में हाइपरलिंक होगा, इसे आप क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं इन इनवॉइसेस की। कौन सी इनवॉइसेस पेंडिंग है या एरर में है वो यहाँ पे दिखाई देंगी, और यहाँ पे इनवॉइसेस की डिटेल आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल होगी यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी भी उपलब्ध कराई गई है, आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड पर पेज भी आप 50 तक इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा GST1 में नया चेक लगाया गया है, यानी कि जैसे ही आप GST1 में कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको समरी को जनरेट करना है। यदि आपने समरी जनरेट नहीं की है तो उस केस में सबमिट और प्रीव्यू बटन डिसेबल्ड रहेगा, इसलिए आप जब भी नए रिकॉर्ड एंटर करें GST1 में उसके बाद समरी जनरेट करें, उसके बाद ही आपको सबमिट और प्रीव्यू बटन इनेबल होगा। इसके अलावा टैक्स पेयर आसानी से GST1 और IFF फाइल कर सके, इसके लिए GST पोर्टल के द्वारा दो नए मास्टर प्रोवाइड किए गए हैं। एक है प्रोडक्ट मास्टर, दूसरा है सप्लायर एंड सिपिएंट मास्टर। ये मास्टर इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो एरर होती है डेटा एंट्री करते हुए वो रिड्यूस की जा सके। इसके द्वारा टैक्स पेयर आसानी से सिपिएंट की डिटेल सेव कर सकता है और HSN कोड कमोडिटीज़ के भी सेव कर सकता है। ये मास्टर ऑनलाइन भी प्रोवाइड किए गए हैं पोर्टल पर, ऑफलाइन टूल में भी प्रोवाइड किए गए हैं। टैक्स पेयर GST1 के रिलेटेड फील्ड में जो है जैसे ही एंट्री करेगा जिसके लिए के मास्टर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में GST पोर्टल या ऑफलाइन टूल ऑटोमेटिकली डिटेल मास्टर से फेच कर लेगा, और जो प्रोबेबल वैल्यू है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देंगी जो कीवर्ड आप एंटर करेंगे उसके बेस पे। और जैसे ही आप वो ड्रॉप डाउन वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे रिलेटेड जो रोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर ने मास्टर ऑफलाइन टूल में क्रिएट किया है तो उसकी JSON फाइल क्रिएट करके वो ऑनलाइन अपलोड कर सकता है और ऑनलाइन मास्टर को अपडेट कर सकता है। इसी प्रकार यदि मास्टर ऑनलाइन टूल पर क्रिएट किया गया है तो उस केस में भी इस डाउनलोड करके जो है ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट किया जा सकता है, और जो ऑफलाइन टूल है उसमें मास्टर डेटा अपडेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप GST पोर्टल पे मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है और माई मास्टर पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप माई मास्टर के अंतर्गत प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, सप्लायर या फिर रिसिपिएंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर फाइल को या फिर अपलोड कर सकते हैं अब मास्टर फाइल को जो कि आपने ऑफलाइन टूल से प्रिपेयर की थी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर के अंतर्गत आप जैसे ही HSN कोड डालेंगे उसके बेस पे HSN डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम एंटर करेंगे, IGST रेट एंटर करेंगे और क्वांटिटी मेजरमेंट जो है वो एंटर करेंगे और सेव करेंगे। इस प्रकार आप यहाँ पे प्रोडक्ट के 500 रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो पुराने रिकॉर्ड आपको डिलीट करने होंगे, उसके बाद ही आप नए रिकॉर्ड एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे आप इन रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी भी दी गई है। दोस्तों, यहाँ प्रोडक्ट मास्टर में समरी बटन भी दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैक्स रेट वाइज नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सप्लायर और सिपिएंट मास्टर में डिटेल एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे GST नंबर एंटर करेंगे ट्रेड और लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप यहाँ पे सप्लायर रिसिपिएंट का नेम एंटर कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति रिसिपिएंट है या फिर सप्लायर है। यदि दोनों ही है तो आप दोनों ही
टिक कर सकते हैं, यानी कि रिसिपिएंट भी और सप्लायर भी, और डिटेल को ऐड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप ये डिटेल ऐड कर देंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है सप्लायर और रिसिपिएंट का, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक्टिव है या फिर कैंसिल हो चुका है। टाइप ऑफ टैक्सपेयर यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। आप इन रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने सप्लायर रिसिपिएंट मास्टर क्रिएट नहीं किए हैं, तो जब आप GST-1 में एंट्री करेंगे, जैसे कि GST नंबर की एंट्री करेंगे, तो उसके बेस पे भी आपको यहाँ पे बटन दिया गया है ऐड टू मास्टर, जिससे कि ये रिकॉर्ड डायरेक्टली मास्टर में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपको समरी बटन दिया गया है, जिससे कि आपने जो नंबर ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट ऐड किए हैं मास्टर में, उसकी डिटेल देख सकते हैं। इनका सम इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि सेम व्यक्ति जो है, यानी कि टैक्सपेयर आपका सप्लायर भी हो और रिसिपिएंट भी हो, इसलिए ये जो टोटल है वो सेम नहीं होता है। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन दिया गया वो है डाउनलोड करने का। मास्टर को आप इसे जेसन फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन टूल के लिए, या फिर आप एज एन एक्सेल इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि आप एक्सेल में डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार से एक्सेल फाइल में डेटा आपको दिखाई देगा। यदि आप ऑफलाइन टूल के लिए यहाँ पे जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से, तो उस केस में जो ऑफलाइन टूल आप ओपन करेंगे, उसमें माई मास्टर के अंतर्गत यहाँ पे ओपन डाउनलोड और जेसन फाइल का ऑप्शन दिया गया है। इसे आप क्लिक करके ये जो डाउनलोड की है मास्टर्स, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ऑफलाइन टूल में। यदि आपने ऑफलाइन टूल में मास्टर क्रिएट किए हैं जिसे कि आप ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हैं GST पोर्टल पे, तो यहाँ पे ऑफलाइन टूल में माई मास्टर के अंतर्गत प्रिपेयर व्यू का ऑप्शन दिया गया है। इसे आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद कि आपका जो GST नंबर है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट मास्टर और सप्लायर रिसिपिएंट मास्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद आप जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड पे क्लिक करके जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप GST पोर्टल पे लॉगिन करके यूजर सबसी में माई मास्टर में जाएंगे, और यहाँ पे अपलोड माई मास्टर प्रिपेयर्ड ऑफलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे आप जेसन फाइल को अपलोड करेंगे, जिसके बाद के आपकी जो जेसन फाइल है यहाँ पे आपको दिखाई देगी। प्रोडक्ट मास्टर रिकॉर्ड प्रोसेस्ड विद एरर्स, सप्लायर रिसिपिएंट मास्टर रिकॉर्ड प्रोसेस्ड विद एरर्स, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और एरर को रिमूव करके अपलोड कर सकते हैं फाइल को। दोस्तों अभी तक यदि किसी व्यक्ति का GST नंबर सस्पेंड किया गया था, आप उसे रिसिपिएंट के तौर पे यदि एंटर करते थे B2B में, GST-1 और IFF में, तो उस केस में एंट्री अलाउ नहीं होती थी। लेकिन अब इस वैलिडेशन को रिमूव कर दिया गया है। अब भले ही व्यक्ति का GST नंबर सस्पेंड किया गया है, तब भी आप उसे रिसिपिएंट के तौर पे एंटर कर सकते हैं GST-1 में और IFF में। GST अपील के केस में भी नई फंक्शनलिटी को ऐड किया गया है, यानी कि अब यदि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास किया गया है, तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट मॉड्यूल के साथ भी अपील मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि अब टैक्स ऑफिसर के द्वारा यदि ऑर्डर पास किया गया है, तो उसके अगेंस्ट भी आप ऑनलाइन अपील फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।